फिर इंडिया की यंग टीम ने पकड़ के बजा दिया, इनसे पहले बैटिंग करवा लो, इनसे बाद में बैटिंग करवा लो, इनसे पहले बॉलिंग करवा लो, इनसे बाद में बॉलिंग करवा लो, ये पकड़ के घंटा बजा देते हैं। हमारे तो पिले हैं, हमारों को तो पकड़ के घर में घुस के इंग्लैंड मार रहा है, 492 मार दिया इंग्लैंड। इंग्लैंड ने पाकिस्तान की वो धुलाई की है, वो धुलाई की है कि हम याद रखेंगे। दूसरी जानिब इंडिया की मेंस टीम ने बांग्लादेश को दूसरे T20 मैच में भी शिकस्त दे दी है। और भैया मजाल है लुंगी की कि वो इंडिया से जीते लुंगी का बुंगी बजा दिया, हमारा मरिए हम नहीं जीतेगा, हमारा टारगेट है। बचपन में रात में बैठ के तारे देखते होते थे ना, आई फील्डर वैसे ही ऐसे खड़े हुए थे तारे, सिर्फ तारे देख रहे थे बांग्लादेश वाले। ओ भाई सात छक्के मायने रखते हैं भाई, बलात्कार पे बलात्कार। सबसे पहला बलात्कार किया रेड्डी ने, ओ भाई सात छक्के चार चौके। दूसरा बलात्कार किया रिंकू सिंह ने, ओ भाई क्या मारा उसने। इंडिया की टीम इस वजह से जीत रही है क्योंकि ये शो करता है कि इनका डोमेस्टिक का जो सिस्टम है, जो क्रिकेट है, वो बहुत स्ट्रांग है। अगर आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट तगड़ी है तो आपके प्लेयर्स भी अच्छे निकलेंगे, लेकिन हमारी क्रिकेट में ऐसा नहीं है। हम जब ये चीजें सब देखते हैं तो हम भी मिस करते हैं ये सब चीजें। हमारी क्रिकेट में सियासत बहुत ज्यादा खीर हो गई है, यकीन करो जितना दिल टूटा हुआ था ना पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देख के, मौज करवा के रख दिया। भारत ने क्या शानदार बल्लेबाजी की है, शॉट पे दाद देने, बल्कि ये यंग भारत की टीम है, जिस किस्म की बल्लेबाजी हमें देखने को मिली है अनबिलीवेबल। एक प्लेयर को आप बिठाओगे दूसरा उड़कर आएगा और ऐसी बल्लेबाजी करेगा जिसको लफ्जों में आप बयान नहीं कर सकते। अनबिलीवेबल हिस्टोरिक नॉक देखने को मिली हमें रेड्डी की तरफ से। रेड्डी ने 74 रन बना दिया, नितेश रेड्डी ने चार चौके सात छक्के 218 का स्ट्राइक रेट। देखो खून तो चलता है। बांग्लादेश बड़ी बड़ी बातें करता था क्योंकि बांग्लादेश हमें रावलपिंडी में हमारे होम ग्राउंड पे हरा के गया, उसको लग रहा था कि मैं इंडिया को भी हरा पाऊंगा और हर बार की तरह इस दफा भी उसको मुंह की खानी पड़ी। सही बात है। जय हिंद दोस्तों, आप सबको हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज भारत ने बांग्लादेश को दूसरा T20 मैच में कुत्ते की तरह हराते हुए बताया T20 क्रिकेट में किस तरह बैटिंग करी जाती है। दोस्तों बांग्लादेश भारत में आने से पहले भारत को बुरी तरह हराने का धमकी दे रहे थे, लेकिन दोस्तों भारत ने बांग्लादेश को टेस्ट हो या T20 दोनों में जीत कर दिया। चलिए दोस्तों इस वीडियो पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है जानते हैं। बहुत आसानी से इंडिया ने हरा दिया बांग्लादेश को। एक चीज मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, इंडिया की इस टीम को देख के और बांग्लादेश की सीनियर टीम को देख के ये आपको क्लियर एक अंदाजा होता है कि इंडिया की टीम इस वजह से जीत रही है क्योंकि ये शो करता है कि इनका डोमेस्टिक का जो सिस्टम है, जो क्रिकेट है, वो बहुत स्ट्रांग है। अगर आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट तगड़ी है तो आपके प्लेयर्स भी अच्छे निकलेंगे, उसके साथ साथ प्लेयर्स के साथ साथ आपकी सिलेक्शन भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब जाके आप फिर एक अच्छी टीम को जो है वो हरा सकते हैं। जिस तरह उन्होंने, मैं अभी भी कहता हूं कि बांग्लादेश की टीम जो इतने अरसे से क्रिकेट खेल रही है और इंडिया के जो ये अभी लड़के हैं, ये बांग्लादेश इनके साथ जितनी दफा भी खेलेगी वो इनको हरा देगी क्योंकि लेवल बहुत अच्छा है इंडिया का। अब मुझे ये बताएं कि कैसा जबरदस्त कमबैक किया 41 पे 3 आउट होने के बाद रिंकू सिंह ने और नीतीश ने जिस तरह बैटिंग, लेकिन कैप्टन देखो कौन है, हार्दिक पांड्या नहीं है, सूर्य कुमार यादव है, और वो कितना इंजॉय कर रहा है यंग लड़कों के साथ, उनके साथ खेल रहा है, मतलब फील्डिंग हो बैटिंग हो सब कुछ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करता है। लेकिन हमारी क्रिकेट में ऐसा नहीं है। हम जब ये चीजें सब देखते हैं तो हम भी मिस करते हैं ये सब चीजें। हमारी क्रिकेट में सियासत बहुत ज्यादा है, कप्तानी के लिए लोग भाग रहे हैं, क्रिकेट बर्बाद हो रही है, सब कुछ खराब हो रहा है, लेकिन वहां पे जो है वो ऐसा नहीं है। फिर दूसरा अब आप ये समझ सकते हैं कि आप बांग्लादेश की टीम इंडिया के खिलाफ 222 का टारगेट चेस कर सकती है, नहीं चेस कर सकती। आप ये देखें 7 बॉलर्स ने उन्होंने करवाए 7। ये देखो आप कि अभिषेक बैटिंग करता है उसने बॉलिंग की है, पराग बैटिंग भी करता है बॉलिंग भी उसने की, नीतीश बैटिंग भी करता है बॉलिंग भी उसने की, ठीक है। उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर को देख लो, बैटिंग भी करता है बॉलिंग भी करता है। वरन जो है वो एक जेन्युइन बॉलर है। आप सिर्फ ये देखो कि उनके पास ऑप्शंस कितने अच्छे हैं और डिफरेंट ऑप्शंस हैं। दोस्तों आपने इस वीडियो पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखा। दोस्तों किस तरह पाकिस्तान में बैठे हर कोई इस वक्त भारत की खुलकर तारीफ करने पर मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि दोस्तों एक तरफ पाकिस्तान को पाकिस्तान में ही इंग्लैंड ने कुत्ते की तरह धोया है, लेकिन दोस्तों भारत ने पूरी दुनिया को बताया भारत क्यों दुनिया क्रिकेट का नंबर वन टीम है। दोस्तों सारे के सारे बांग्लादेशियों ने भारत के आगे आज घुटने टेक दिए। दोस्तों भारत की शानदार जीत पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो में फिर आपसे जरूर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद और भारत माता की जय।